सोशल मीडिया पर पृथ्वी शो जो कि जाने माने भारतीय क्रिकेटर हैं उनको लेकर एक वीडियो वायरल हुई और उसके बाद कई तरह की बातें कही जाने लगी, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। मामला दरअसल एक सेल्फी से स्टार्ट हुआ और सेल्फी लेने वाली सोशल मीडिया की पनपती हुई इन्फ्लुएंसर जिसके तकरीबन 2 लाख फॉलोअर्स हैं, नाम सपना गिल है, वो दरअसल सेल्फी लेने आई थी, लेकिन किस तरह से सेल्फी लेने के बाद मारपीट तक मामला पहुंच गया और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, ये चौंकाने वाली बात है। सबसे पहले आपको बता दें कि इस लड़की को जिसका नाम सपना गिल है 20 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है ओशिवारा पुलिस स्टेशन की तरफ से। मामला दरअसल मुंबई के सांता क्रूज के एक 5-स्टार होटल के पास का है। पुलिस ने सपना गिल नामक इस लड़की के साथ साथ 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस पूरे मामले में 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। मुंबई पुलिस ने धारा 387 के तहत मामला दर्ज कर लिया है, जिसके तहत किसी से जबरन वसूली और उसे चोट पहुंचाने का इरादा कोई शख्स रखता है। वीडियो वायरल होने के बाद सपना गिल नामक इस तथाकथित इन्फ्लुएंसर ने यह दावा किया कि इसे मारा जा रहा है, इसे प्रताड़ित किया जा रहा है, जाना माना क्रिकेटर इस पर अत्याचार कर रहा है और उसने इसकी छाती पर हिट किया है। जबकि जब सच्चाई निकलकर सामने आ गई तो सभी हैरान रह गए। दरअसल ये लड़की पूरी तरह से विमेन कार्ड खेल रही थी। हुआ क्या कि दरअसल होटल के अंदर जिस वक्त पृथ्वी शो खाना खा रहे थे उस वक्त एक शख्स उनके पास आता है जिसके साथ सपना गिल भी होती है और सेल्फी लेने की मांग करता है। पृथ्वी शो सेल्फी लेने से कोई भी इनकार नहीं करते और सेल्फी लेने देते हैं। उसके बाद वो खाना खाने लगते हैं और वो लड़की और उसका एक दोस्त दोबारा सेल्फी लेने आते हैं जिन्होंने ड्रिंक कर रखी थी और वो दोबारा सेल्फी लेने देते हैं। लेकिन तीसरी बार जब ये लोग सेल्फी लेने आते हैं और कुछ लड़कों को और लेके आते हैं तो उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं पृथ्वी शो के और पृथ्वी शो उनको मना करता है कि मैं अब और सेल्फी नहीं दे सकता हूँ। क्योंकि लड़की ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक की हुई थी, उसके दोस्तों ने भी ड्रिंक की हुई थी। एक वीडियो भी सामने आया है जिस वीडियो में ये लोग पीछा करते हुए पृथ्वी शो की गाड़ी का नजर आ रहे हैं। ये होटल के बाहर खड़े हो जाते हैं। होटल मैनेजमेंट स्टाफ पृथ्वी शो को ये कहते हैं कि आप दूसरे गेट से निकल जाइए क्योंकि यहाँ पर ये लोग खड़े हैं, कोई हंगामा ना कर दें। लेकिन वो दूसरे गेट से जब निकलते हैं और एयरपोर्ट की तरफ जा रहे होते हैं तो यू टर्न लेते समय पीछे से एक बाइक आती है और बेसबॉल का बल्ला मारा जाता है। पृथ्वी शो की गाड़ी की ये तस्वीरें हैं। गाड़ी बुरी तरह से टूटी हुई है। उन्होंने कहा है कि 2 बार बेसबॉल का बल्ला गाड़ी के फ्रंट पर हिट किया गया। तीसरी बार जब वो लड़की करने लगी तो पृथ्वी शो ने उस बेसबॉल के बल्ले को अपने हाथों से पकड़ा और वो खुद को और अपनी गाड़ी को बचाने लगे। लेकिन इस वीडियो को प्रेजेंट किया गया जिस तरह पृथ्वी शो उस पर हमला कर रहे हों। हालांकि पृथ्वी शो ने साफ कर दिया और वहां के चश्मदीद लोगों के भी बयान सामने आए हैं कि उस लड़की ने 3 बार गाड़ी पर बेसबॉल के बल्ले से हमला किया। एक क्रिकेटर के साथ विमेन कार्ड के नाम पर अगर इस तरह किया जा सकता है तो सोचिए इस तरह की तथाकथित इन्फ्लुएंसर लड़कियां क्या करती होंगी। और उसके बाद यही गेम खत्म नहीं होता है। लड़की थाने जाती है और जब थाने पहले पृथ्वी शो पहुंचते हैं और FIR दर्ज करवाते हैं तो वहां पर लड़की भी पहुंचा दी होगी, वो लड़की है, और वहां पर डिमांड की जाती है 50,000 रुपये की। लड़की कहती है कि 50,000 रुपये दे दो तो यहीं पर सॉर्ट आउट हो जाएगा मामला, अगर नहीं दोगे तो फिर मामला बढ़ जाएगा। सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर बनकर वीडियोस डालना, फिर लोगों का प्यार पाना और फिर एक मासूम से चेहरे के पीछे एक एक्सट्रॉटर जो कि वसूली करता हो, बड़े लोगों को फंसाने की कोशिश करता हो, ये सच्चाई इस पूरे मामले की है। और अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। 8 लोगों पर FIR दर्ज की जा चुकी है और 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें से सपना गिल को 3 दिन की हिरासत में भेज दिया गया है।